अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्द व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, ईद दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। एक्वेरियस वीकली हॉरोस्कोप 21 से 27 नवंबर, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? एक्वेरियस, आपके लिए इस हफ्ते में बहुत ही अहम तब्दीलियाँ हैं। सन और मरकरी दोनों इस हफ्ते में ग्रेजुअली, पहले 22 नवंबर को सन जो है वो आपके जाहिर छे के 11वें और गुड लक के घर में चला जाएगा, उसके बाद इसके पीछे पीछे मरकरी भी आएगा जो कि आपके 5वें और 8वें घर का हाकिम है। दोनों प्लैनेट आपके एक बेहतरीन पोर्शन में जो है वो जा रहे हैं, सो इनके इम्पेक्ट आपके ऊपर बड़े ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपके कुछ गुजार करना चाहूँगा। एक तो ये बताइए कि क्या आपने अपनी पिछले हफ्ते में होने वाले जो ग्रहण था, 19 का जो ग्रहण था, उसका सदका दिया? अगर नहीं दिया तो पहली फुर्सत में दीजिए, और दूसरा दौरा का नमाज सुबह सुबह ज़रूर अदा कीजिए। इसके अलावा मैंने सदका और सारी चीज़ें जो है वो वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ के हमारा दूसरा चैनल रज़ा जावा पे इस वीडियो के बाद ग्रेजुअली जो है वो ईयरली हॉरोस्कोप 2022 के हवाले से वीडियोस जो हैं वो अपलोड होना शुरू हो चुकी होंगी, सो आपके लिए वो बेहतरीन एक होगा। और इस पर वीडियोस थोड़ी सी आपको मुख्तलिफ दी जा रही है, कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दी जा सके। एक वेरियस छोटी सी टिप दूंगा, नेक्स्ट ईयर आपके लिए बड़ा ही खुशियों भरा है और आपकी गुड लक जो है वो अरूज पे होगी, फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी बहुत स्ट्रांग होती नजर आती है। उसकी एक छोटी सी झलक आप इंशाल्लाह अब देख सकेंगे, जबकि सन एक महीने के लिए आपके जायचे के 11वें गुड लक के घर में आएगा। 22 नवंबर को ये ट्रांजेक्शन होने जा रही है, 22 नवंबर को सन का यहाँ पे आना आपके लिए जो है वो नए दरवाजे खोल रहा है, आपकी नई रिलेशनशिप्स को शो कर रहा है। इसके अलावा आप बड़े ही कमिटेड होंगे अपने मामलात को जो है वो लेके चलने में और प्रोग्रेस लेने में। जो आपने स्ट्रगल की, जो आपने मेहनत की पिछले महीने जबकि सन आपके 10th हाउस में ऐसा, उसका बेहतरीन रिवॉर्ड आपको मिल सकेगा। आपकी शख्सियत में निखार आएगा, यहाँ से सन जो है वो तस्दीस की नज़र से देखेगा और फिर अपने घर से तसलीस की नज़र से, तो डेफिनेटली आप को बहुत ही मकबूल आम भी करेगा, स्पेशली जिनसे मुखालिफ जो है, सिंफ मुखालिफ, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन इसकी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आप इंतहाई पुरकशिश शख्सियत के हामिल होंगे और माशरे में एक नुमाया किरदार अदा करने के लिए तैयार होंगे। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो फिर आपको जो है वो पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, नए इख्तियार आपको मिल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं ट्रांसफ़र तो उसके भी इम्कान जो है वो मौजूद है। बाख्तियार लोगों के साथ आपके रवाबित जो है वो बढ़ेंगे, हुकूमती पॉलिसी से आप बेनिफिट उठाएंगे, और यही लोग आपको आगे जाने में, आपके मादी फवायद के हसूल में भी आपको जो है वो मदद देते हुए नजर आते हैं। इस तरह कई एक कामयाबियां जो हैं वो आपको मिल सकेंगी। इसके अलावा चूंकि ये आपके 11वें घर में जा रहा है, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर करेगा, एंड मुमकिन है कि किसी दोस्त को भी कोई सरकारी ओहदा मिले या कोई बड़ी जो है प्रोग्रेस मिले, ये भी आपके लिए एक बहुत ही खुशी का समय होगा। आप अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ इंजॉयमेंट की तरफ भी जो है वो आप कर सकेंगे। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो जो आपके जिम्मे काम दिए जाएंगे उसको बहसन खूबी आप करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी जो है वो सराही भी जाएगी। इसके साथ साथ चूंकि ये आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, तो शरीक हयात, शरीक कार भी आपको पूरी तरह सपोर्ट करेगा, गो कि आप अपने शरीक हयात या शरीक कार पे, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप पे उतनी तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इसके बावजूद आपकी सीट को, आपकी पोजीशन को मुस्तहकम करने में, आपकी ख्वाहिशात की तकमील में आपका पार्टनर, चाहे वो आपका वर्किंग पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, ये आपको बेहतरीन जो है वो बैकअप जरूर देगा। रिलेशनशिप आपका बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा। आप कई एक सफ़र करेंगे जो कि आपके लिए वसीला जफर साबित होंगे, ये मैं आपको 10th हाउस के मार्स की वजह से बता रहा हूँ। आप में काम करने की अहलियत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इस तरह आप बहुत ज़्यादा कामयाबी ले सकेंगे। आपके छोटे भाई या आपके जो सामाजिक रवाबत हैं या आपके करियर रोजगार में आपकी बेहतरीन हेल्प भी करते हुए नजर आते हैं। चूंकि सन आगे जा रहा है, लिहाजा मार्स इसके दबाव से निकलेगा, और जैसे ही ये मार्स इसके दबाव से निकलेगा आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती चली जाएगी। इस तरह आप बोल्ड
और ब्रेव किस्म के स्टेप्स जो है वो भी लेते हुए आप नजर आते हैं। उसके बाद दूसरा जो ट्रांजिट है वो हमारा मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी जो है ये आपके पांचवें और आठवें घर का हाकिम है और एग्जैक्टली ये भी आपके ग्यारहवें घर में जा रहा है। सो ये आपकी आमदन में इजाफे का बायस बनेगा। बच्चे आपकी ख्वाहिशात की तकमील में जो है वो मावनत करेंगे, ज़हनी तौर पर पुरसकून होंगे, अचानक इजाफी आमदन का हसूल जो है वो आपको मुमकिन होगा। कहीं पर आपकी रकम डूबी हुई है तो वो मिल सकेगी। मंगनी जैसी तकरीबात के हसूल में भी आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा जो बड़ी अच्छी बात है वो है नॉलेज, नॉलेज गेन कर सकेंगे आप इस वक्त में। और हसब ख्वाहिश आपकी ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ेगा जो कि ऑलरेडी बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। वरासती मामला हसब ख्वाहिश वो भी हल कर पाएंगे। आपकी लव लाइफ में बेहतरी आएगी और जिसको कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया जो है पार्टनर वो शामिल हो सकता है। उसके साथ साथ इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करने के लिए भी आपको मौके मिलेंगे। आप एक से ज़ायद कामों में इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो मूव ऑन होंगे और ये इन्वेस्टमेंट आपकी जो है सही मानों में अगर कहा जाए तो ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित होगी, चूंकि ये आपको आगे बढ़ने का जो है वो मौका फराहम करेगी। सीखने का मौका मिलेगा, किरदार साजी का जो है मौका मिलेगा, आपको अपनी फनकाराना सलाहियतें अपनी एबिलिटीज़ को पूरी तरह शो करने का जो है वो मौका मिलेगा। इस तरह आपके मामलात ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बेहतर होते चले जाएंगे। मेमोरी आपकी बेहतर होगी, हेल्थ आपकी जो है इसमें भी बेहतरी आएगी। जो पहले अज़हनी दबाव था, जो प्रॉब्लम्स थी, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म होती चली जाएंगी। दूसरी तरफ असेंडेंट में मौजूद जो सेटर्न है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना रहा है, ग्राउंड रियलिटीज़ को आपके सामने जो है वो उभारता चला जा रहा है। अब सन जब इसके साथ जाके तस्दीस बनाएगा तो ये भी जो कि इंशाल्लाह इसी वीक में ही बन जाएगी या नेक्स्ट वीक के बिल्कुल स्टार्टअप है, तो ये मामला आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे रहे हैं वहीं पे आपको उतना ही डाउन टू अर्थ भी करेंगे। आपके मिजाज में नरमी हलाइमत आएगी और आप जो है अपनी किरदार साजी पे मजीद तवज्जो देंगे। उसके साथ साथ आपकी तवज्जो जो है वो चैरिटी की तरफ भी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपकी तवज्जो ऑलरेडी है, वीनस को फोकस करना पड़ेगा आपको जो कि बारहवें घर में है। सो बैड एसोसिएशन और बैड हैबिट्स इन चीज़ों से आपको बस थोड़ा सा अवॉइड करना है। बाकी मामला आपके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस हफ्ते भी बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन जो है वो ब्लू सफायर है, ब्लू सफायर वेयर कीजिए। ये आपको तरक्की की मनाजिल तय करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बफजले ताला परवरदिगार ने इसमें जो खसूसियात रखी हैं आपके लिए उससे मुस्तफीद हों। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे परवरदिगार की किसी नेमत से जो है वो मुस्तफीद होना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे दोबारा आना चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन पुश कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।